कैसी हैं अमेरा जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अमेरा जी एक बात बताएं जी, आवाज तो आपकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपकी ब्यूटी का राज क्या है? ब्यूटी का राज बस दिल की सफाई। आहा, ये बात। जलती नहीं हूँ, कुड़ती नहीं हूँ, किसी से झूठ नहीं बोलती और बहुत प्योर हार्टेड वो मैं हूँ। अमेरा जी आपसे बहुत सारी बातें होंगी शो में, तशरीफ रखिए। थैंक यू। क्या बात है, चाचा भी जो चोरी करके आता आंदे चाची नू कहंदा यार तेरे मिलने ले ही, यार तेरे मिलने ले ही, ओए सी डाके मार के आए, यार तेरे मिलने ले ही, ओए सी डाके मार के आए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਆ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਕੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਚਾਚੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ। आप लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे लेकिन पहले मैं आपको कुछ मॉडल्स से मिलवाना चाहती हूँ जिनको आपसे बड़ा गिला है, उन्हें अपने शूट्स पे नहीं बुलाते, उनसे अपने ड्रेसेस की मॉडलिंग नहीं करवाते, तो जरा आप उनके गिले शिकवे पहले सुन लें फिर आपसे मजीद बात करते हैं। तशरीफ लाइए जी। Sit down. ये आप कुर्सियां क्यों साथ लेके चल रहे हैं? ए हर काम आप ही कर दिया ने, जिथे इना दी मॉडलिंग होती है ना अपना रैंप भी आप ही चुक के जांदी है। हां लाइटा मेरे मोड़े ते हुंदियां ना, गार्डर जी आए दे मोड़े ते हुंदा ते छोटी रे उन्हें कारपेट चुकिया हुंदा जेड़ा रेड कारपेट नहीं बिछांदे साडे लई। वैसे बाजी मेनू तुहाडे ते बड़ा गिला है, क्या इन्ने इवेंट तुसी करदे हो ते सानू फैशन शो ते क्यों नहीं बुलांदे, की कमी है साडे च? कमी नहीं ज्यादती है तुहाडी। नहीं हम भी तेज होती जा रही है बहुत ज्यादा। नहीं इस गल दा हमारा जी ने जवाब देने दो, दसो जी। ये आपको चांस देना दे, मैं दूंगी आप लोगों को चांस। हाँ अपने गाने में मॉडलिंग करवाए ना, यार तेरे मिलने नु असि चाटे खोल के आए। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द मॉडलिंग में आपको बुलाऊंगी। असि इस तरह नहीं आउंदियां, असि वापसी ते ना तुसी सानू थोड़े जे चावल ते कटिया फ्रूट भी देना। ते लगो के मैं शो ते किथे बुलाणा तन्नू किथे। हां ए सुनो मैं यही से देख रहा। इंशाल्लाह जिस दिन चुड़ैलां दी शादी होई चुड़ैलां दी शादी वाले दिन ते बिल्कुल नहीं आ सकदियां। क्यों? इन्होंने आप दुल्हन बनना। चलो नहीं उठो चलिए, चलो जिथे साडी इज्जत नहीं उथे असी रहना ही नहीं हैगा, ते खबरदार अगर कोई सानू रोके ते चलो। वेखे तैनु मैं कहा सी ना किसी ने नहीं रोकना सानू, अपनियां मॉडलां आप बुलाओ, तुसीं वी मेहरा जी अपनी मॉडल बुलाओ, असी नहीं इत्थे रहिंदियां। चलो बह जाओ। नहीं हुण सारियां तरले पाउण लग पईआं ने। पहलो ते एंकर ही मैनूं अखां अखां च कह रही तैनू मौला दा वास्ता, बह जा बह जा, हजे ते तेरी सही बेइज्जती भी नहीं होई, बह जा। सही बेइज्जती केड़ी हुंदी, तुसीं नुआ के बेइज्जती करदे हो। नुआ तो आ के बेइज्जती करदे। मेहरा जी भला क्यों अज मेरे नाल इन्नियां शरारतां कर रहे ने? क्यों कर रहे? मेरे वालों तो जैलस ने। एहो जे मुंह ते ना चपेड़ कोई नहीं मारदा, जैलस कौन होवे? असलम मैं कुर्सी वगाती मारनी जे तू हुण साडी कच्ची कराई ते। मेहरा जी मैनू इन्ना प्रोटोकॉल दे रही है, तू तो सड़ मर गए हैं बिल्कुल। बैठा रहे हारे वकील वाले कपड़े पा के। एहो जा वकील अदालत दे बाहर खलोता होवे ना पुछे तेरा की मसला, कुछ नहीं बारिश हो रही मैं इसलिए सेन च खलोता। और बताओ फादी, फैशन की दुनिया में कब बनी डलवा रहे हो मुझसे? उस दिन इंशाल्लाह जिस दिन मैं ग्रेनेड खरीदूंगा। ऐ छोटी वेखो इन मॉडलिंग च रख लो। नहीं उसके, हाँ उसका बनता भी है, नलकी वाले धागे ते भी तुर पैंदी है छड़ के। ईमान अली फादी आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि खवातीन भी बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं इस चीज़ में, क्योंकि सर्दियां भी हैं, वेडिंग सीजन भी चल रहा है, क्या चीज़ इस वक्त सबसे ज्यादा इन है? वेस्टर्न की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है। अच्छा। वेस्टर्न कटलाइन बहुत पसंद की जा रही है। पहला दौर था एम्बेलिशमेंट का काम बहुत ज्यादा होता था, चमक दमक, बीड्स, पर्ल्स, सीक्वेंस। अब थोड़ा इंग्लिश स्टाइल हो, कटलाइन खूबसूरत हो, कलर्स खूबसूरत हो, बट एलिगेंट हो। वेल्वेट भी चल रही है बहुत ज्यादा। वेल्वेट तो हमेशा से, मेरे ख्याल से अगर आप अपनी अपनी अम्मी दादी और उनको देखें तो उस लेवल से वो स्टार्ट है और अभी तक स्टिल बहुत इन है और सबका हॉट फेवरेट है वेल्वेट। अच्छा फादी, ईमान ने खवातीन के हवाले से तो बता दिया, मर्दों के हवाले से भी जरा बताएं कि क्या चीजें इस वक्त ट्रेंड्स में चल रही हैं? रूटीन में तो आप देख लें तो मर्द ज्यादा जो हमारे पास एज ए डिजाइनर आ जाते हैं वो थ्री पीस सूट्स के लिए आ जाते हैं, शेरवानी के लिए आ जाते हैं, प्रजमन वगैरह के लिए आ जाते हैं, बस शादी वगैरह के लिए हमारे पास आ जाते हैं,
उसके बाद जब शादी हो जाती है, लोगों को अपनी बचत की पड़ जाती है, क्योंकि उनकी मिसेज के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर वो ईमान के पास आ जाते हैं, ईमान की तरफ आ जाते हैं। नहीं तो शादी दियां देगा भी पकाउंदे हो? कोशिश कर रहे हैं कि देगों की भी डिजाइन किया जाए। साडी बाजी नु बाजियां दा फंक्शन ला के दियो ना, फिर डांस वांस करवाना है तो ये मेरी छोटी सिस्टर बहुत अच्छा डांस करती है। तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, तोहफा कबूल है हमें सरकार आपका, ले आए वीर वही हमें ले प्यार आपका। ये क्या था? ये साड़ी परफॉर्मेंस का टीजर है। वैसे खुल के क्यों नहीं नाच दिया है? इन्हों के मुर्शिदा ने इन्हों के डांस बनने। मेरा जी आप इनकी मैचिंग चेक करें, सैंडल्स कितने मैचिंग इन्होंने पहने हुए हैं, बहुत ही ये हल्के से सुलझे हुए हल्के से सुलझे हुए भी लग रहे हैं, मैचिंग तो की हुई। ये मैचिंग एवी नहीं होती, तुम्हें पता है शूज मैं कितने दे लाया? 150 दे। दिन मैं क्या सी ना को देखण दे आई। मेरा जी फ्री दे शूज ने, मेनू तो लगा शायद मौत दे खूह दे अंदरों किसी ने सुटे। हुमैरा जी, जी 2 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि प्रॉपर शादियों का सीजन शुरू हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो हमने देखा था कि कोरोना की वजह से नहीं हो कोई भी इवेंट्स नहीं हो रहे थे, अब जबकि प्रॉपर इवेंट्स स्टार्ट हुए हैं, तो कैसे जा रहे हैं आपके इवेंट्स? इवेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ज़रा कोविड जो है वो थोड़ा सा कम हुआ और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो निकले हैं बाहर, और लोग जो हैं अब थोड़ा सा ट्रेंड हुआ है कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं और खुशियाँ जो हैं वो फिर से वापस आ रही हैं। अभी न्यू ईयर का भी गुजरा है, न्यू ईयर पे तो सारे पंजाब में शोज जो थे वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए थे। अच्छा, टोटली सीजन दे विच सारे फनकार बिजी ने, सिर्फ 3 लोग ने जेड़े वेले ने। अच्छा, कौन से? अपने सजे हाथ वेख लो। वे तू वेला, वे तेरा प्यो वेला, वे तेरे दादा वेले। मर जाना इहो जिहा शीशे अगे खलो के कह रहे हुंदा की काम ते जाया कर, चवला कदों तक फुफी दे घरों खाएगा। तेरे वर्गी शीशे दे अगे खलो के कहण दे, पता नहीं की गल, 3 दिन तो मैं बंदा बंदा नहीं लगन लग गई। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਹਲੀ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਵੇ ਲਾਂਤੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਮਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ? ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅਗਲੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਆਪ ਡੈਂਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲਮ ਨਥੀ ਰਹਿ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਕਰਾਈ ਤੇ। ਅਸਲਮ ਨਥੀ ਰਹਿ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਕਰਾਈ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਖਤ ਕੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ? ਘੁੰਮੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾਟੂ ਹੈ। ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ, ਫਾਦੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ, ਪੈਸੇ ਜੋੜ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।